हाय डियर ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम रवि अग्रवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्टली पर। यहां पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों डेली प्रैक्टिस बूस्टर सीरीज की। डेली प्रैक्टिस बूस्टर सीरीज में जैसा कि पता है मैं डेली आपके लिए मॉर्निंग 11 AM एक ऐसा सीरीज लेके आता हूँ जो आपके लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहता है। आज हम बात करेंगे सीरीज का 16th एपिसोड। लेकिन इस सीरीज को बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ या एक बात मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली बात, आप इस सीरीज को कभी मिस मत कीजिए, नंबर फर्स्ट। नंबर टू, आप पूरा देखिएगा। ये सीरीज पूरा देखना इसलिए कंपलसरी होता है कि लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ और ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि उस क्वेश्चन को आप जरूर से सॉल्व कीजिएगा। कई लोग क्या करते हैं, पूरा वीडियो देख लेते हैं उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप उस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर से कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा सीरीज है डेली प्रैक्टिस बूस्टर का, सीरीज नंबर 16। आज का क्वेश्चन है, ए 220 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस ए सिग्नल पोल इन 12 सेकंड। ए 220 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए सिग्नल पोल इन 12 सेकंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक ट्रेन है जिसका जो लेंथ है वो कितना है 220 मीटर और वो एक सिग्नल पोल को क्रॉस कर रही है 12 सेकंड में और आपसे पूछा जा रहा है स्पीड और पूछा किस में जा रहा है, ये याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो है किलोमीटर पर आवर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, वो क्या है कि ट्रेन ने एक सिग्नल पोल क्रॉस किया है। अभी आप सोच रहे हैं कि सर डिस्टेंस इक्वल टू 220 मीटर क्यों लिया, क्योंकि व्हेनेवर ट्रेन क्रॉसेस ए पोल मैन ट्री और सिग्नल द डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन इटसेल्फ। आप ये याद रखिएगा, यानी डिस्टेंस उसने लिया 220 मीटर एंड टाइम लिया 12 सेकंड, स्पीड पूछ रहा है, तो आपको यहां ये पता होना चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं यहां पर डिस्टेंस की बात करता हूं तो आपका डिस्टेंस रहेगा 220 एंड टाइम रहेगा आपका क्या 12। बट यहां पर आप एग्जाम में या तो ओवर कॉन्फिडेंस से जाएंगे तो गलती हो सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान से सॉल्व करेंगे, ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो ये जो स्पीड आपकी निकलेगी ना वो किसमें निकलेगी, मीटर पर सेकंड में काउंट होगी, बट आपको किसमें चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। और वैल्यू को यानी मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो आप वैल्यू को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 18/5 से। ये कैसे सॉल्व करते हैं मैं जल्द ही आपके लिए इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट लेकर एक नई वीडियो के साथ जरूर आऊंगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए वैल्यू को 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन आप कट करेंगे तो 6 2 12 एंड 6 3 18। 2 से आप इसे कट करेंगे तो आपको मिलेगा 110 एंड देन आप 5 से कट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 22 एंड 22 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 66 किलोमीटर पर आवर। सो मेरा यहां पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 66 किलोमीटर पर आवर। सो दोस्तों, ये आपका भी होमवर्क टाइम है, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा और आप हमें ये भी बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। आज के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।